आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में थोरेसिक सर्जरी विभाग एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग व ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया। एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन के लोकार्पण से प्रदेश में फेफड़े के कैंसर सहित छाती से जुड़ी बीमारियों की सर्जरी आसानी से हो सकेगी। इसके साथ ही नसों से जुड़ी बीमारियों के मरीजों को भी लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कार्डियक थोरेसिक और वास्कुलर सर्जरी का अलग अलग विभाग शुरू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य है। थोरेसिक एवं वास्कुलर विभाग का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। उसी के साथ साथ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एक मशीन का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, पैथोजन रिडक्शन मशीन। इसके चलते अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स होते थे जिनको हैदराबाद और दिल्ली जाकर अपना इलाज कराना होता था, वो अब लखनऊ में इलाज करा सकते हैं। हमारे साथ तुलिका चंद्रा जी हैं जो विभागाध्यक्ष हैं ट्रांसफ्यूजन विभाग की। मैम, कितना बड़ा अचीवमेंट देखती हैं, एक लंबे समय बाद कह सकते हैं कि केजीएमयू विभाग को ये मशीन मिली? ये मशीन 1-1.5 साल के अंदर मिल गई है। ये हमारे कुलपति जी की मेहनत से हुआ है फ्रैंकली, क्योंकि हम लोग ने चैनलाइज़ किया और ये एशिया की फ़र्स्ट है। ये तकनीक अभी तक नहीं आई थी। ज़रूरत बहुत है, लेकिन सोचने का तरीका और ये सोचना कि हम जितना सेफ रक्त दें उतना मरीज़ों के लिए यूज़ होगा, क्योंकि जो लेने वाला है वो कोई भी हो सकता है, वो हमारा आपका कोई भी हो सकता है। और ब्लड की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, ना मज़हब होता है, ना धर्म होता है। तो जब ये मशीन से हम ऐसे सारे वायरसेस, आप देखिए आजकल वायरल इन्फेक्शन ऐसा फैल रहा है, कभी कोई स्वाइन फ्लू फैलता है, कभी डेंगू फैलता है, क्यों? क्योंकि रक्तदाता भी इसी समाज से आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस बीमारियों से ग्रसित हैं और उनकी जाँच होने का कोई तरीका नहीं है रक्तदान से पहले। तो उसकी वजह से रक्त से जो ये डिजीज़ हैं वो चली जाती हैं किसी मरीज़ के अंदर और शायद और भयानक रूप ले लेती हैं। इस मशीन से ये सारे पैथोजेंस जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, वो सब समाप्त हो जाएंगे। और उसकी वजह से जो प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, अभी पीआरबीसी के लिए ये तकनीक नहीं आई है, प्लाज्मा और प्लेटलेट जो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएंगे, संक्रमण रहित हो जाएंगे और मरीजों को चढ़ाने में उनको संक्रमण होने का कोई डर नहीं होगा, जिसे कहते हैं सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और इससे एक नहीं, उसके परिवार वाले उसके थ्रू दूसरे संक्रमण गए उनको भी जान बचेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्प्रेड सोसाइटी में बच जाएगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों को अब हैदराबाद और दिल्ली नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि आज केजीएमयू में दो विभागों के साथ साथ एक मशीन का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रमुख सचिव आलोक कुमार जी। किस तरीके से देख रहे हैं सर इस अचीवमेंट को आप? देखिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये दो स्पेशलाइज्ड विभाग और ब्लड ट्रांसफ्यूजन मशीन में जो एंटी इन्फेक्शन मशीन जो लगाया गया है, ये खास करके ऐसे लोगों को जो ट्रांसप्लांट में जिनकी प्रतिरोधक क्षमता जीरो हो जाती है, तो उनके लिए बहुत बड़ा योगदान देगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसप्लांट पे जो वेटिंग टाइम्स है उसके ऊपर चिंता व्यक्त की है और इसके लिए अभी हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं कि SGPGI में इमरजेंसी मेडिसिन और रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर का बहुत बड़ा विस्तारित रूप हो गया, वहाँ के लिए मैन पावर सेंक्शन हो गई है, रिक्रूटमेंट हो रहा है, इक्विपमेंट वगैरह सब आ गया है, तो बहुत जल्दी SGPGI का वो जो रीनल ट्रांसप्लांट और इमरजेंसी मेडिसिन सेंटर ऑपरेशनल हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में भी ट्रांसप्लांट की प्रोग्राम को गति देने के लिए पिछले दिनों आपने सुना होगा गवर्निंग बॉडी में ये तय हुआ है कि ट्रांसप्लांट के 3 किडनी, लिवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की एक यूनिट उनके जो 6th फ्लोर में कुछ जगह खाली हो रही है वहाँ पर हम स्थापित करें और उसमें हमारी ट्रांसप्लांट की वेटिंग टाइम 6 महीने से घट के 1.5 से 2 महीने के बीच में लाने का हमारा उसमें प्लान है। इसी प्रकार KGMU ने भी, अब देखे आपने, कुलपति साहब ने बताया कि ट्रांसप्लांट को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष हम लोगों का इच्छा है और उनकी अपेक्षा है हमसे कि ट्रांसप्लांट के लिए लोगों को ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़े और हम लोग इसके लिए पूरे तरीके से प्रयासरत हैं। ये तीनों हमारे जो मेजर संस्थान हैं उसको लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के लिए सबसे बड़ा नाम है KGMU। KGMU में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो विभागों का लोकार्पण किया और उसी के साथ साथ एक मशीन का भी लोकार्पण किया है। इसके चलते अब लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसमें हमारे साथ और ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज के कुलपति हैं विपिन पुरी जी। सर, एक कह सकते हैं कि जो एक बड़ा अचीवमेंट है मेडिकल कॉलेज के लिए, इसको किस तरीके से देखते हैं सर आप? देखिए, एक तो जैसा कि 2 डिपार्टमेंट्स का लोकार्पण हुआ, थोरासिक एंड वास्कुलर सर्जरी, इसकी एक बहुत ही रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज जो हमारा जो CVTS डिपार्टमेंट था वो कार्डियक सर्जरी तो कर रहा था,
बट वो थोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी नहीं कर पा रहा था बिकॉज नंबर्स ज़्यादा हैं, मरीज ज़्यादा हैं और अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कम है. तो इस क्रम को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रदेश शासन ने को हमने समझाया और उनसे परमिशन ली और ये अब ये दो डिपार्टमेंट्स हमने चालू किए हैं, जो थोरेसिक सर्जरी, जो लंग सर्जरी, जो फूड पाइप की सर्जरी, मीडियास्टम की सर्जरी, चेस्ट वॉल की सर्जरी. तो ये एक नॉर्मली थोड़ा सा रेलिगेट हो जाता है टू सेकेंड हैंड बिकॉज हार्ट ऑलवेज टेक प्रेसिडेंस. तो इसलिए इसके लिए अब एक फोकस सर्जिकल डिपार्टमेंट चालू हो गया है. मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है इन मरीजों के लिए जो सारे उत्तर प्रदेश में फर्स्ट एंड द ओनली वन इस समय अवेलेबल होगा. लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अम्बरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार.